ज्योतिरादित्य सिंधिया के हारे हुए वफादारों के लिए अभी तक शिवराज सरकार में एडजस्टमेंट करने की कोई बात नहीं आई है। ये वही लोग हैं जो महाराज के साथ कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर भाजपा में शामिल हुए थे। सिंधिया के वफादारों में पूर्व मंत्री इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और एंदल सिंह कंसाना हैं। उपचुनाव में मिली हार के बाद तीनों शिवराज सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिलने की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि सिंधिया के कुछ लोगों को प्रदेश कार्य समिति में जगह दी गई है। कार्य समिति के गठन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल भी पहुंचे थे, लेकिन 22 जून को सिंधिया फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल दौरे पर आ रहे सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए बात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि सिंधिया समर्थकों को पुनर्वास पर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को लेना होगा। सूत्रों का ये भी कहना है कि सिंधिया के लोगों को पुनर्वास के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। 22 जून को मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश में 3 दिनों तक रहेंगे। इस दौरान वे गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, सिरोंज और भोपाल में रहेंगे।